एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। द गाला पेपर का लास्ट पेपर 5 ऑफ सेक्शन 3 साइंस भाई, पेपर 5 लास्ट बाकी था, जिसका पीडीएफ हमने अभी तक नहीं दिया है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स का, मतलब सभी पेपर्स का, साइंस का पीडीएफ दे दिया है। बस ये सेक्शन सी और सेक्शन डी के बाद पेपर 5 का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ऑल इन वन पीडीएफ भी कन्वर्ट करके मैं आपको दे दूंगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5। लेट्स मूव ऑन, फटाफट से हम लोग चलते हैं आगे पेपर नंबर 5 सेक्शन सी की तरफ। पेपर 1, 2, 3, 4, 5 सभी सब डिस्क्रिप्शन में है। आप ऐसा हो तो चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिए, साइंस पेपर गाला सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट पूरी डाल दूं, तो उसके देखो शायद कहीं पे मैंने पीडीएफ अपलोड करना रह गया हो, तो डिस्क्रिप्शन में जितने भी भाई पेपर 1 का चाहिए तो पेपर 1 के वीडियो में चले जाओ, पेपर 2 का चाहिए तो 2 के, 3 का चाहिए 3 के, 4 का चाहिए तो 4 के, सब जगह प्रेजेंट होगा। और 5 का तो ये है ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे पीडीएफ मैंने अपलोड नहीं किया सेक्शन सी में, बट सेक्शन डी कंप्लीट होते ही मैं अपलोड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट। चलिए सेक्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है। व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सी एक्सोथर्मिक, इफ वी डिवाइड इट इंटू टू पार्ट, एक्सो एंड थर्मिक, ठीक है। तो एक्सो का मतलब आउट, आउट मतलब निकालना, एक्सो मतलब निकालना, वी कैन से रिलीज। और थर्मिक हो जाता है हीट, मींस जिस इक्वेशन के अंदर, जिस भी रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स Ca, सॉरी ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3, that is, and plus heat energy is released, means calcium oxide when reacts with carbon dioxide, it gives calcium carbonate with heat energy, so it is known as exothermic reaction, or इसको combination reaction भी एक तरफ से बोलते हैं। फिर respiration is an exothermic reaction, explain it, yes, but obvious, respiration में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो carbohydrates, glucose जो भी है, वो oxygen के presence में carbon dioxide, water और heat energy देता है, मींस हीट एनर्जी इन सम शॉर्ट ऑफ एनर्जी इज दी, भाई हमारी बॉडी टेंपरेचर मेंटेन होता है, सब कुछ होता है, तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे C6H12O6+O2 गिव्स CO2+H2O+ हीट एनर्जी। वो बैलेंसिंग बाद में हम लोग कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट गोज ऑन। ये बैलेंसिंग अगर हम लोग करें तो 12 ये हो गया आपका, ठीक है, प्लस 8 सेकंड यहां पे बैलेंसिंग हम लोग करते हैं तो 6O2 12 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा H2O, that is 6H2O, तो 6 12 18, तो 6 plus 6 H2O, that is, this is how it goes on। तो ये भी है, in presence of आपका oxygen जो भी है अपने चलता है, तो ये भी heat energy exothermic reaction है। तो look here, the reaction in which heat energy is released by reactant is called exothermic reaction, an example burning of coal, when coal burned in oxygen carbon dioxide is produced and also large amount of heat energy is also released, obviously C plus CO2 gives CO2 plus Q, Q is heat energy here, Q is heat energy, Q क्या है, heat energy है, ध्यान रखिएगा, then it is an exothermic reaction. Preparation of slag lime is also an example of exothermic reaction, slag lime that is CaO plus H2O gives CaOH twice, that is it here also heat energy is there, heat energy, एनर्जी लिख रहा हूँ क्योंकि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इफ यू प्रिपेयर स्लैग लाइम इन अ बीकर बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम CaO, द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, इफ इट टच द वॉल्स ऑफ द बीकर वी विल फील द हॉटनेस, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ये तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन, देखो मैं ज्यादा घंटे देता, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि भाई साहब आप यार बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आंसर देते हो, हम क्या करेंगे, इतना बड़ा आंसर लिखेंगे क्या करेंगे, जितना ज्यादा अंदर उतारोगे उसमें से 2 पॉइंट तो लिख पाओगे ना, तो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। देखो तैयारी आप 50 मार्क की करके जाओ और बोलो कि मुझे 100 मार्क्स आ जाए तो विच इज नॉट पॉसिबल, तैयारी आपको 200 मार्क्स की करनी पड़ेगी तो 100 मार्क्स आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये मैं कंटेंट ज्यादा देता हूं ताकि आप उसको प्रिपेयर करो, कहीं कहीं पे कोई क्वेश्चन अलग अलग आ जाते हैं, डिपेंड्स। सो देन रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन क्या है, हम लोग रोज सांसें ले रहे हैं यार, हमारी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ कन्वर्ट हो रहा है, तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ सुगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद इन ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
which results in production of energy required for biochemical reaction of life along with water, carbon dioxide as side products. So here, sorry, C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus energy. इसको भी आप बैलेंसिंग कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी बैलेंसिंग किया था. जैसे आपको बैलेंसिंग करना है तो आप यहाँ पे बैलेंसिंग कर सकते हो, तो ये ऑलरेडी बैलेंस आपको हो जाता है. दिस इज द रेस्पिरेशन रिएक्शन, और ये आपको याद भी रखना होगा. सिंस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इज बीइंग रिलीज्ड और लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन रिएक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसीलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होती. नेक्स्ट, स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयन. भाई कोरोजन यानी जंग लग जाना आयन पे, हमारा देसी इलाज तेल लगा दो, कलर लगा दो, तो भाई कोरोजन नहीं होगा. सो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑयलिंग करते हैं, कलर वगैरह करते हैं, कलरिंग एंड ऑल. सो हियर इट इज, देयर आर सर्वल कॉस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन इंक्लूडिंग यूज नॉन कोरोसिव मेटल्स सच एज स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम. ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं होता, रेयर केसेस. Make sure the metal surface stay clean and dry. हमेशा कोशिश करो कि मेटल का कोई भी सर्विस आयन का है तो वो एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे, सूखा रहे एकदम अच्छे से, ताकि वो corrosion ना हो. Use drying agents. कोशिश हो तक drying agents use करो, जैसे कि भाई सूख जाए आराम से. Use a coating or a barrier product such as grease, oil, paint or carbon fiber coating, wax tapes or varnish. इसमें से कोटिंग कुछ भी कर सकते हो, ऑयल का भी कोटिंग करते हैं, पेंट का कोटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, एवरीथिंग, सो दैट इट डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर. मॉइस्चर के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो कोरोजन नहीं होगा. प्रोवाइडिंग द मेटल्स गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन द मेटल. इट इज वेरी कॉमनली मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयन. आयन के ऊपर गैल्वेनाइजेशन करना मतलब जिंक का कवर चढ़ा देना. प्रोवाइडिंग द मेटल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन हेल्प इनहिबिट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट लीड्स टू रस्टिंग. मतलब वो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक रस्टिंग को इनहिबिट करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज दो, उसकी केमिकल रिएक्शंस की वजह से, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से भी वो रस्टिंग रोक सकता है. सो दिस आर द सम ऑफ द मेथड्स यू कैन यूज एंड यू कैन राइट इट डाउन फॉर प्रिवेंटिव मेथड्स, वी कैन से प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ कोरोजन. थर्माइट प्रोसेस विद इक्वेशन. भाई थर्माइट प्रोसेस क्या है? आपने रेलवे ट्रैक का तो नाम, भाई रेलवे ट्रैक तो देखी होगी. रेलवे ट्रैक में क्या होता है, जैसे कि ये दो रेलवे ट्रैक जा रही है, यहाँ पे कुछ दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में सपोज क्रेक आ गया या कुछ भी आ गया, तो इस क्रेक को फिल करने के लिए थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं. थर्माइट रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो क्रेक फिलअप करने के लिए रेलवे में यूज होता है थर्माइट रिएक्शन. भाई आयन ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं, दैट इज हाउ इट गोज ऑन. तो थर्माइट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड मेटल ऑक्साइड. For example, the reaction between aluminium with metal oxide, where aluminium acts as reducing agent. भाई iron oxide को reduce करके aluminium oxide बन जाता है. The aluminium reduces the metal oxide most probably and iron oxide to produce ferrous and aluminium oxide. मतलब aluminium iron oxide के साथ react करता है वो, और aluminium oxide में convert हो जाता है और exothermic reaction. During the reaction, large amount of energy is released. Fe2O3 plus 2Al gives 2Fe plus Al2O3 plus heat energy. ये reactions होता है, iron produce होता है और Al2O3, तो वो railway tracks वगैरह crack में use होता है. Use of thermite reaction. The reaction is used for thermite welding. The reaction is used to connect railway tracks. The reaction is also used in demolition of ammunition and metals refining. This all are the रिलेटेड थिंग्स वर्थ थर्माइट रिएक्शन. आप इसको लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. बहुत सारे जन बोलते सर आप लिखवाते हो मार्क्स पूरे नहीं देते, वो चीज अलग है यार, बट आई होप यू विल गेट फुल मार्क्स इन बोर्ड्स. आई डोंट नो आपके टीचर भाई आपको कड़क चेकिंग करते होंगे या कुछ भी करते होंगे, बट इन बोर्ड्स यू विल गेट श्योरली फुल मार्क्स. ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन. नर्व सेल का डायग्राम भाई 8, 9, 10, 7 से बनाते हुए आ रहे हैं. नर्व सेल सबसे प्यारा नर्व सेल रहता है, सबको पसंद आता है, एंड इट्स क्वाइट इजी टू ड्रॉ ऑल्स वेल. याद रखना है डेंड्राइट्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, माइलिन सीथ एंड टर्मिनल ब्रांचेस. माइलिन सीथ तो हम लोग यूज, ठीक है. डेंड्राइट्स क्या है, रिसेप्टर्स से कनेक्टेड रहते हैं. दे आर कनेक्टेड विथ रिसेप्टर्स. यहाँ पे आपके सिग्नल्स आते हैं अलग अलग रिसेप्टर से, चाहे वो
स्किन के रिसेप्टर्स हो या कहीं पे भी हो, एवरी सिग्नल कम्स एंड एंटर्स थ्रू डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से न्यूक्लियस और सेल बॉडी से पास ऑन होते हैं एक्सॉन तक। यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, भाई जो केमिकल सिग्नल आता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके एंड तक पहुंचता है टर्मिनल ब्रांच तक। टर्मिनल ब्रांच क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उसको फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ताकि दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाया जा सके। दो नर्व सेल्स के बीच में होता है गैप विच इज नोन एज सिनेप्स। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, द न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड इन इंडिविजुअल सेल विच इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल। अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन फॉर्म अ नर्व। डेंड्राइट्स अ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट फंक्शंस बाय रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द सेल बॉडी। दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेके दूसरे भाई सेल बॉडी के थ्रू ट्रांसमिशन करता है मैसेज को। सेल बॉडी, ईच न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर कॉम्पोनेंट्स। एक्सॉन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट फंक्शंस बाय कैरिंग एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल्स फॉर पासिंग द इंपल्स टू द अनदर न्यूरॉन। वो दूसरे न्यूरॉन पे पास करता है। सिनेप्स, दिस स्ट्रक्चर फंक्शंस बाय परमिटिंग एंट्री ऑफ न्यूरॉन टू मूव एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रहा उसका डायग्राम, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अलग अलग है स्पर्म डक्ट्स, पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, वास डिफरेंस एंड एपिडिडिमस। दिस ऑल आर द डिफरेंट पार्ट्स व्हिच हेल्प अस टू नो बट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम इज द आउटर कवरिंग फॉर द टेस्टिस। क्लियर, देखो यहाँ पे डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रोटम, द स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन अराइजिंग फ्रॉम लोअर एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल, स्क्रोटम प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस एंड एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर। वो भाई आपको पता है टेस्टिस को 2 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर पे रखना होता है तो वो थर्मोरेगुलेटर के तौर पे काम करता है। टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। देयर आर अबाउट 200 टू 300 लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल्स एंड नर्स सेल्स और सेल्स ऑफ सर्टॉइल। ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। देयर आर इंटरस्टीशियल सेल्स और सेल्स ऑफ लीडिंग डिग विच सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आफ्टर पवर्टी। एक एज के बाद एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, वो इस जगह से रिलीज होता है। एपिडिडिमस, एपिडिडिमस आर पेड स्ट्रक्चर शोइंग अबाउट 6 मीटर लॉन्ग हाईली कॉइल डक सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस। इन द टेल स्पर्म्स रिमेन्स फॉर शॉर्ट पीरियड एंड देन एंटर्स द वास डिफरेंस। Vast difference, a pair of tubular structures about 40 centimeter long arising from cauda epididymis are called vas deferens. Not vasa deferens, vas deferens. Ejaculatory duct, a duct of vas deferens and a duct of seminal vesicle are ejaculatory ducts. Both ejaculatory ducts open into urethra near prostate glands. Seminal fluid containing sperms are carried by ejaculatory duct to urethra. वो फिर डायरेक्टली लेके जाते हैं यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा, द यूरेथ्रा हैज द थ्री पार्ट्स, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनियल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमेन टुगेदर। पेनिस, पेनिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन यूज्ड फॉर इनसिमिनेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इन फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट। थ्रू द लेंथ ऑफ द पेनिस पासेस द यूरेथ्रा। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट। एक एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो भी आपको डिटेल मिल जाएगी। How is the process of pollination different from fertilization? First question. भाई आपको पता है pollination मतलब pollen grains का stigma तक पहुंचना, चाहे वो air से हो, wind से हो, mosquito से हो, भंवरे से हो, किसी से भी हो, that is known as pollination. And fertilization when male and female gametes combine together, fuse together to form a embryo or zygote is known as fertilization. तो difference है ही है. Then second. How does the embryo gets nourishment inside the mother's body? आपको पता है placenta. Placenta is present which connects the embryo and the mother's body. So through placenta all the nourishment is gained. Placenta के अंदर वीली like structures होता है. So maximum absorption of we can say fruits और जो भी आपके nutrients वगैरह है वो absorb करते हैं.
What could be the reason for adopting contraceptive methods always to avoid pregnancy, to avoid disease and everything we can mention right here we are writing. The main difference between pollination and fertilization is that pollination is deposition of pollen grains from the anther to the stigma of flower, whereas fertilization is the fusion of male female gametes forming a zygote. Pollination pollen grains ka एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना और फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होना एंड फॉर्मिंग अ ज़ाइगोट. द एम्ब्रियो डिराइव्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा. द प्लेसेंटा कंटेन्स विली ऑन द साइड ऑफ द एम्ब्रियो एंड ब्लड वेसल्स सराउंडिंग विली ऑन द साइड ऑफ द मदर. ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज पासेस फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो थ्रू द प्लेसेंटा. थर्ड, contraceptive methods are mainly adopted because of the following reason: to prevent unwanted pregnancies, to control population rise or the birth rate, to prevent the transfer of sexually transmitted disease STD. STD ka transmission now isko protect karne ke liye bhi use karte hain. Which three rays are used to locate the image formed by spherical lens explained by diagram? By teen rays hai. First, case 1, ray parallel to principal axis, convex lens. When the ray comes parallel to principal axis, it passes through the principal focus on the other side of the lens after refraction is case of convex lens. So, dekho, parallel aya, wo principal focus se pass ho jayega. So, this is the one first way. Ki agar parallel koi principal axis se line aa rahi hai, to principal focus se pass hoga. Second, ray passing through F focus ya F1 in convex lens. A ray of light passing through a principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. Agar principal focus se koi ray pass ho rahi hai, dekho is tarah se, it is passing through principal focus, it will pass parallel to the principal axis from other side after refraction, we can see. Case 3, when a ray passes through the optical center, in case when ray passing through optical center will pass without any deviation in both the lenses, chahe wo convex lens ho ya kuch bhi ho, it will pass directly without any deviation. What is called power of lens? Power of lens is inverse or reciprocal of focal length. हम लोग बोलते हैं power of lens P equals to 1 upon F. ठीक है, तो power of lens is 1 upon reciprocal when focal length is in meter. ये भी याद रखना है, focal length in meters. SI unit of power of lens is diopter D. D equals to 1 upon F, P equals to 1 upon F, where D is the power of in diopters and F is the focal length in meters. Power of lens equals to 1 upon focal length of in meters. देखो ये आप लोग बोलेंगे सर इतना छोटा सा 3 मार्क्स में भाई पूछा ही वही है. What is power of lens? State SI unit of power of lens and write formula of relating this. So this much is enough. It is asked. जितना पूछा है उतना हमने लिख दिया है और main main points आ रहे आगे. So this is how it works. An electric lamp whose resistance is 20 ohm and resistor 4 ohm. एक electric lamp है जिसका resistor आपको दिया हुआ है 20 ohm. और एक 4 ओम का रेजिस्टर है जो पैरेलली कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू. ये दोनों 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है. ठीक है, दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस. मैंने ये डायग्राम बना दिया, प्लस माइनस 20 ओम 4 ओम. ठीक है, करंट जा रहा है I. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस. तो 1 अपॉन RP, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. 1 upon RP equals to 1 upon 20 plus 1 upon 4 equals to 1 plus 5 upon 20. LCM liya hai, 20 is the LCM, to 4 ko 5 se multiply kiya, to 1 ko bhi kiya hai. So that is 6 upon 20. So resistance means aapka RP ho jayega. Wait, next page pe leke jaate hain. RP equals to 20 upon 6, yani ho jayega 10 upon 3, that is 3.33 ohm equivalent resistance. Now we have to find out second current of the circuit. So I equals to V upon R or RP hoga. So V aapka 6 volt hai, yahan pe 3.33 hai. So it is approximately, main jaise agar approximately batau, so approximately 2 ampere, but exact calculation bata deta hu main. Exact 2 एम्पीयर नहीं लिखेंगे क्योंकि अप्रोक्स कैलकुलेशन है, रहना नहीं चाहिए, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं भाई डायरेक्टली. सो इट इज नियरली अबाउट 1.8 एम्पीयर. करंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 1. नाउ सी
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी, क्या है, अक्रॉस दी इलेक्ट्रिक लेंथ, इलेक्ट्रिक लेंथ, तो वी इक्वल्स टू आई आर, इलेक्ट्रिक लेंथ का जो होगा आर वन, सो इक्वल्स टू 1.8 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 36 36 वोल्ट, 1.8 एम्पियर आया। तो 36 वोल्टेज, जो 36 वोल्ट तो आपका ड्रॉप कैसे हो सकता है? आई योर करंट रिमेन सेम थ्रू आउट, दोनों में करंट आपका सेम रहता है, नहीं वोल्टेज ड्रॉप बोला है 20 ओम के इलेक्ट्रिक, तो वोल्टेज ड्रॉप तो सबका सेम ही रहेगा, पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप इज, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें आई आर आई वन से कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट रिमेन सेम, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टेज ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन 6 वोल्ट ओनली, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा है कि पोटेंशियल, बिकॉज इट इज पैरेलल कनेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट ओनली बिकॉज इट इज अ पैरेलल कनेक्शन, बिकॉज इट इज अ पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में वही रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज ड्रॉप अपना चेंज नहीं होगा, क्लियर, आई होप यू माइंड अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, ओके सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, मैं तो नेक्स्ट पे जा रहा था, सेक्शन डी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी से जल्दी 10K पहुंचा दो यार भाई, 10K पहुंचा दो, हमारा भाई बेड़ा पार हो जाएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।